अभी दोपहर के बज रहे हैं 2 और मैं जा रही हूँ अपनी जेठानी के घर सुभाष नगर, और मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगी कि उनकी लोकेलिटी कैसी है, उनका घर कैसा है। टफी को तो कहीं भी बाहर घुमाने ले जाओ, इसको बहुत मजा आते हैं। ये देखो कैसे खुश है पीछे बैठ के, हवा के मजे लेते हुए विंडो खोल के जाता है आराम से। इसके होते विंडो बंद करके नहीं चल सकते, इसको बाहर सब कुछ देखना है। क्यों टफी, कहाँ जा रहे हो? ओ टफी, अभी उसको कुछ नहीं सुनना, अभी उसको सिर्फ घूमना है। संडे का दिन है और संडे के दिन घर बैठने का किसी का मन नहीं करता, तो हमने सोचा क्यों ना अपनी भाभी के घर जाया जाए। उनका एक छोटा सा बेटा रियांश है जो टफी के साथ खेलना जिसको बहुत पसंद है, तो वो हमेशा बोलता रहता है चाची टफी चाची टफी। ये बस उनका घर आने वाला है। टफी की आवाजें सुनो, ये देखो क्या हुआ। कैसे रोना शुरू कर देता है ये। अरे जा तो रहे हैं, रुक जा, इतना क्या एक्साइटेड हो गया। जा रहे हैं जा रहे हैं, रियांश के पास। अरे रियांश के पास, इसका रोना नहीं बंद होगा। फाइनली हम राहुल के ब्रदर के घर पहुंचने वाले हैं, और टफी क्या रोना सुनिए। ये जैसे ही कहीं पहुंचने वाला होता है, इसको रास्ता पता चल जाता है, तो ये ऐसे रोना शुरू कर देता है कि मुझे अभी उतार दो। हाँ हाँ रुक जा बेटा रुक जा, चल रही है, रास्ते से ही रोना शुरू कर देता है, पागल हो जाता है। ये अपनी एक्साइटमेंट ऐसे ही दिखाता है, इसको बोलना तो कुछ आता नहीं, तो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि रोना शुरू कर देता है कि मुझे गाड़ी से उतारो, जबकि अभी उनका घर आया नहीं है, और वहां आते ही ये उतर के पूरा कहेगा मुझे वॉक करा दो। टफी कहाँ है बेटा तू? ये बैठा हुआ है, ये रहा, ये देखो कैसे देखता है। टफी टफी ये रहा घर, अभी नहीं आया बेटा। आप आवाजें सुन पा रहे होंगे, ये कैसे रो रहा है। जिन जिन के घर ये जाता है ना, उन सबके घर ये ऐसे ही करता है, इसको रास्ता पता चल जाता है, और जैसे ही लेफ्ट ले लो लेफ्ट ले लो। हाँ चलो चलो आगे वाली गली से, नहीं ये वाली गली है, हाँ इससे नेक्स्ट है, इससे नेक्स्ट है। बस हम पहुँच गए ऑलमोस्ट। आप वीडियो पे बने रहिए, और हो सके तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जैसे कि मैं इनके घर पे पहुंच गई हूँ, ये पीछे मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये वाला घर है, और इसको टफी को चैन नहीं है, ये यहाँ पे आते ही ओहो इसको यहाँ आते ही वॉक करनी है। ये देखो पागल हुआ पड़ा टफी। बस जैसे हम पहुंच गए हैं, और इसको घर नहीं जाना अभी, चलो चलो आओ आओ टफी, जल्दी आओ, अंदर चलेंगे जल्दी आओ। अरे गाड़ी में पॉलिथीन होगा, गाड़ी में पॉलिथीन ले लो, इसका सामान होगा, खाने का सामान होगा इधर। पीछे हाँ, एक में इसका पानी का बर्तन होगा। चला चल 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 चल। ये हम ऊपर जाते हुए लिफ्ट से जाएंगे। लाइट जल रही है, रुक तो जा। ये हमें अपने साथ टफी के बर्तन कैरी करने पड़ते हैं, इसका पानी का बर्तन। बाकी मैं आपको ऊपर चल के दिखाती हूँ रियांश का रिएक्शन और बाकी सबका, तो आप बने रहिए वीडियो में एंड तक। कोई हानि का
सब खाएंगे। ये मैं फ्राइड मोमोज घर के खाते हुए, बहुत यम है, आप लोग भी खाइए। ये मेरी मदर इन लॉ ने बनाया है घर पे, इसके अंदर की फिलिंग, वाह मजा आ गया। ये है होममेड डोसा। टफी और राहुल भागते हुए, भागो 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 टफी टफी, अरे बुलाओ यार वो बच्चा सो रहा है। भागो भागो पीछे पार्क दिखाना। ये है इनके घर के पीछे एक पार्क, इसकी मैं वीडियो, आप क्या बाहर इतना निकल गया, हटो मैं इसको दिखाऊं, हटो। ये है पार्क का व्यू। ओए ओ पागल, हाथ मत डालना, भागेगा भागेगा जल्दी। फाइनली हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं। ओए कंगी छोड़ दे, देखा नहीं हो, देखा नहीं, दूसरी कंगी दूर है, नहीं इधर दे। अरे सुन चलो पार्क चले, चलो क्या कंगी देता ही नहीं है, ये ले ये ले ये ले, देगा नहीं, ले करनी है क्या तूने, देगा नहीं अब, ले ये ले ले वो दे दे वो दे दे, अरे ये वाली कंगी दे दो तभी, ये ले लो ये ले लो, नहीं लोगे दे दे, ये मेरे हाथों की मूवमेंट चेक करता है। मैं इस टाइम मेरी जेठानी के घर के नीचे पीछे एक पार्क है उसमें आई हुई हूँ, सारे मेरे साथ हैं पीछे वो आ रहे, और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पार्क कैसा है। शाम के बज रहे हैं इस टाइम 5 और मैं पार्क में हूँ टफी के साथ वॉक करते हुए। पकड़ लो, ये डॉग्स को मिलके खुश बड़े होते हैं। मैं वाले तो आते ही पास इसीलिए से सुबह 6 बजे उठा देगा। चल कितनी बार वॉक कराते हो? 3 बार, हम तो 5-6 बार कराते हैं। हमारा वाला तो जैसे ही बाहर से अगर कहीं मान लो हम घूम के आते हैं तो इतना एग्रेसिव हो जाता है, हमें घुराता है कि मेरे को बाहर ही ले चलो। अच्छा तो हम कहीं से अगर बाई चांस मान लो मार्केट से कुछ सामान लेके आई तो आके फिर उसको वॉक कराने ले जाती। फाइनली मैं अपनी जेठानी के घर से वापस आ गई हूँ, अपने घर के वहाँ पहुँच गई हूँ। पार्किंग में अभी गाड़ी लगाई है, अब टफी को निकालूंगी और इसको वॉक। लॉक खोलना गाड़ी का राहुल, लॉक खोलो। अब जैसे कि कहीं से भी आती हूँ तो आके टफी को वॉक करानी बहुत ज़रूरी हो जाती है, ये मुझे घर के अंदर एंट्री नहीं देता अगर यहाँ से वॉक नहीं होती इसकी। तो इसका पट्टा पहना दो, कहाँ पर है इसका पट्टा पहनाना, देखना कहाँ रखा है। तो मैं इसको वॉक कराती हूँ और फिर मैं अंदर जाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कहीं से भी आती हूँ तो टफी को वॉक कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये कर रहा है टफी वॉक और ये इसके साथ हमें भी वॉक करनी पड़ती है दिन में 5 बार। ये रहा टफी आगे चलता हुआ, और टफी के साथ साथ टफी के ये बॉडीगार्ड, ये देखो ये दूसरा, अभी एक तीसरी है,
तीन तीन बॉडीगार्ड चलते हैं टफी के साथ। रुकना राहुल, ये देखो इसके साथ साथ तीन तीन बॉडीगार्ड जिन्हें अभी खाना देना है मैंने। एक नंबर वन ये, नंबर टू ये फेंस वाला है मेरा घर, ये रही नंबर टू, ये रही नंबर थ्री, टोटल थ्री डॉग्स। ये जब तक इन्हें खाना नहीं मिलेगा ये मेरे घर के पास खाना देखने जा रहे हैं, तब तक ये वापस नहीं जाएंगे, पूंछ हिलाते रहेंगे। हाँ बेटा, जैसे कि आपने देखा आज का संडे मेरा बहुत ही अच्छा रहा और हमने खूब इंजॉय किया, बहुत खाया, बहुत मज़ा आया भाभी के घर पे। और आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।